नमस्ते, हम हैं आपका दोस्त अंकित तिवारी और आज हम मीडिया डिक्शनरी के अवधि रूपांतरण में बात करब इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में। इफेक्टिव कम्युनिकेशन या हिंदी में प्रभावी संचार कहते हैं। आप ये समझें कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन व्यक्ति के काम और पर्सनालिटी में चार चांद लगाए दी थे। व्यक्ति के ये पता हुई चाहे कि कहाँ कैसे कब कितना बोले चला, ये समझाई कि अगर ये पता बटे कि कहाँ कब कैसे कितना बोले के बा तो वो एक अच्छा कम्युनिकेटर बन सकता है। अगर नहीं पता बा तो आज हम यही विषय पे बताऊँ कि का गुण हो चाहे एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। सबसे पहले तो व्यक्ति के एक अच्छा रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, ये चार गुण अति आवश्यक है। क्योंकि रीडिंग यानी पढ़ाई के व्यक्ति के अंदर पढ़ाई के बहुत शौक हो चाहे वो अलग अलग तरह के चीज़ पढ़े, साहित्य, विज्ञान, दर्शन, अध्यात्म, क्योंकि जितना ज़्यादा पढ़े हो के उतना शब्द का पता हो, उतना अच्छा शब्द का प्रयोग करें अपने बातचीत में। बोले से पहले एक अच्छा सुनने वाला बने चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए, धैर्य पूर्वक होके सामने वाले के व्यक्ति के सुनाए। क्योंकि एक और भी मैं समझे वाली बात बा कि हम कोनो चीज़ जानत है ओके बोलब तो वो हम एक प्रकार से रिपीट करें, यहाँ बड़े सामने वाले के सुनबा तो बहुत सारी जानकारी जो सामने वाले के पता बा आपके नहीं पता बा वो पता चले। ओकरे बाद आप एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा कम्युनिकेटर बनी। एकरे लिए आप थिएटर ज्वाइन कर सकते हैं, आप स्कूल कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होत रहत है उनमें आप जुड़ें, शीशा के सामने बोलें, ऐसे आपके एक्सप्रेशन पता चले, हाव भाव कैसन बा ये समझ में आए, और जौन भी बोलें ओके संयम के साथ बोलें, जजमेंटल मत हों, कोनो विषय पे कोनो टॉपिक पे आके जज नहीं करेंगे, बहुत हाई फाई बड़े लोगों का नाम लेके आवश्यकता नहीं, काल्पनिक कहानी नहीं गढ़ेगा,